आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एस पी नाइन के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान शहीदों का नाम लेने से उनके पोस्टर लगाने से उनकी फ़ोटो लगा देने से जयकारे करने से जो उन्होंने शहादत दी है क्या उसका कर्ज़ पूरा हो जाता है क्या हम नारे लगाकर उन शहीदों का कर्ज पूरा कर देंगे जो उन्होंने पुलवामा में शहादत दी थी उनकी शहादत के नाम पर वोट की राजनीति भी की गई सरकार भी बनाई गई जनता से गुहार लगाई गई कि पुलवामा के शहीदों के बदले में जो शहीद हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप हमें वोट दें किस लिए क्योंकि आपके कार्यकाल में वह शहीद हुए इसलिए सोचने वाली बात है पुलवामा के शहीदों की बरसी थी नारे लगाए जा रहे थे लगातार हम मीडिया में देख रहे थे बड़े जो मुख्य धारा की मीडिया है बड़े बड़े पत्रकार हैं वह भी लगातार शहीदों की बात कर रहे थे उनका नाम भी लेते हुए नज़र आ रहे थे लेकिन असली देशभक्ति क्या है यदि हम उन शहीदों के लिए करना चाहते हैं तो आखिर क्या करें शहीदों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम उनको इतना मुआवजा देंगे इतनी धनराशि प्राप्त कराएंगे लेकिन झारखंड से एक हिला देने वाली घटना सामने आती है जो मोदी सरकार की पोल खोल देती है और यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि शहीदों को किस प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है उन सैनिकों के शहीद होने के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति है क्या अब तक सर, किसी भी सरकार के किसी नुमाइंदे ने पलट कर देखा क्या कोई वहाँ अधिकारी पहुँचा या कोई नेता पहुँचा जो शहीदों का नाम चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख कर वोट मांग रहा था यह घटना है झारखंड की वहाँ पर एक जवान है जिनका नाम है विजय सोरेंग उनके परिवार की वो जब उनके वो शहीद हो जाते हैं वह सैनिक तो सरकार से गुहार लगाई गई, गई मुआवजे की कि उनकी मदद की जाए वह मदद पहुंची या नहीं पहुंची यह घटना सब स्पष्ट कर देगी जो वीर शहीद की पत्नी है उन्हें सब्जी बेचते हुए देखा गया बाजार में वह सब्जी बेच रही थी जिसके बाद एक ट्विटर यूज़र ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करके मदद की गुहार लगाई एक अन्य व्यक्ति ने इस घटना को टैग किया हेमंत सोरेन जो कि उत्तर जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके पास यह घटना पहुँचा दी सत्ता में आने के बाद लगातार ट्विटर के माध्यम से ही समस्या के समाधान के लिए सक्रिय हैं हेमंत सोरेन वह ट्विटर के माध्यम से शिकायतें सुनते हैं और सक्रिय रहते हैं जिलाधिकारी को भी आदेश देते हुए ट्विटर पर लिखा है कि शहीद देश की धरोहर होते हैं कृपया इनकी हर संभव मदद की जाए और जिन योजनाओं से वह वंचित रह जा रहे हैं वह उन योजनाओं को से भी उनको लाभान्वित किया जाए इन मुद्दों को उठाते हुए हेमंत सोरेन ने यह बड़ी बात कही है ट्वीट भी किया है यहाँ पर हेमंत सोरेन ने अपनी देशभक्ति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है भले ही उन्होंने शहादत दिवस के दौरान बड़े बड़े नारे न ना लगाए हों सारे शहीदों के नाम न लिए हों लेकिन शहीदों के परिवार की मदद करते हुए जिस तरह से वह आगे बढ़ रहे हैं जो कार्य मौजूदा सत्ताधारी दल को करना चाहिए था जिस प्रधानमंत्री ने हम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं जो मंच पर खड़े होकर वीरों के नाम पर वोट की गुहार लगा रहे थे क्या उनको उस परिवार को नहीं ढूंढना चाहिए था वह किस स्थिति में जी रहे हैं क्या उन्हें इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें कार्यक्रम को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें तब तक के लिए इजाज़त दीजिए धन्यवाद